हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी सोडा। आइए जानते हैं आज का नया अपडेट क्या है। परिंदा की शूटिंग के वक्त जल गई नाना पाटेकर की त्वचा। 60 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे अभिनेता। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने भारतीय सिनेमा में कई फिल्में दी हैं। क्रांति वी और परिंदा जैसी उनकी फिल्में आज भी मशहूर हैं। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने परिंदा के क्लाइमैक्स सीन का खुलासा किया है, जिसमें वो एक शूटिंग के वक्त जल गए थे और कहा कि इस घटना ने उन्हें पूरे एक साल तक बेकार कर दिया। अपने अतीत का किस्सा साझा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि क्रांति वीर का क्लाइमैक्स सीन कभी लिखा ही नहीं गया था। नाना ने परिंदा के क्लाइमैक्स सीन का बताया सच। उन्होंने ये भी चौंकाने वाला खुलासा किया कि परिंदा में उनकी भूमिका के लिए पहले जैकी श्रॉफ से संपर्क किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें ये भूमिका मिली। उन्होंने कहा कि क्लाइमैक्स सीन में सच में आग लग गई थी और उस दौरान कोई डिजिटल एडिट नहीं हुआ था और वो महीनों तक बिस्तर पर आराम कर रहे थे। असली आग में जले थे नाना। सीन के बारे में बात करते हुए अभिनेता ने ये कहा, ये आग असली थी, मैं जल रहा था। उस शूटिंग के बाद मैं एक साल तक कुछ नहीं कर सका। मैं 60 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। जिस सीन में आप मुझे आग से बचने की कोशिश करते हुए देखते हैं, उस समय मैं जल रहा था। मेरी सारी त्वचा छिल गई थी, कुछ भी नहीं बचा था, दाढ़ी मूछ नहीं बची थी। 6 महीने तक मैं पूरी तरह से बिस्तर पर था। साल भर तक बिस्तर पर थे नाना। नाना ने आगे बताया कि ये एक जोखिम भरा हादसा था और उन्हें और पूरे सेटअप को जलाने में मुश्किल से 5 सेकंड लगे। उन्होंने कहा, पहले टेक में हमने 3 बाल्टियां डाली, दूसरी में हमने 14 बाल्टियां डाली, इसलिए आग बहुत तेज थी। हालांकि एक दुर्घटना थी, ऐसा नहीं था कि विनोद चाहते थे कि मैं जल जाऊं, ये बस हो गया। आगे और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।